Dear students, today our concept is convert paise into rupees. So here I am write the numbers and you have to convert paise into rupees. So let us start the first. हम सभी जानते हैं कि 100 पैसे में 1 रुपी हमारे होते हैं. अब हमें देखना है कि ऐसे लिखा मैंने 210 पैसे को कन्वर्ट करना है मैंने रुपी में, तो कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं 210 पैसे को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 200 पैसे प्लस 10 पैसे, 200 पैसे प्लस 10 पैसे मैंने लिखा. अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि 2 × 100 पैसे प्लस 10 पैसे. 200 को मैं लिख सकता हूं 2 × 100 पैसे. 100 पैसे बराबर मैं यहां पे लिखा हुआ 100 पैसे बराबर 1 रुपीज, तो इसकी जगह मैंने 100 पैसे की जगह 1 रुपी यहां लिख दिया. 2 × 1 होगा तो हो जाएगा 2 रुपी, और 10 पैसे हमारा ही चल रहा है यहां पे, तो ये हम इसको 2 रुपीज और 10 पैसे को हम इस तरह लिख सकते हैं 2.10 रुपी. ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा पैसे में रुपए में कन्वर्ट हो गया 2.10 रुपी. अब आता है 350 पैसे को हम किस तरह रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी को हम उसी तरह कन्वर्ट करेंगे. 350 पैसे को लिखेंगे 300 पैसा प्लस 50 पैसा पैसे इंटू 3 × 100 पैसे. 300 को मैंने इस तरह लिख रहा हूँ 3 × 100 पैसे प्लस 50 पैसे. अब 100 पैसे को मैं यहाँ पे कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1 रुपी, तो जाएगा 3 × 1 रुपी प्लस 50 पैसे, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे 3 × 1 3 और प्लस 50 पैसे. इसको मैं ले सकता हूँ रुपी में 3.50, यानी ये मेरा हो गया 3.50 रुपी. इसी तरह एक पैसा है हमारा 8300 पैसे, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ. इसकी मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, दोनों मेथड में आपको ये लो मेथड है ये वाली शॉर्ट मेथड है, तो इसको देख लेते हैं. पहले जो 8000 है 300 पैसे उसको हम लिखे 8000 पैसे प्लस 300 पैसे. इसके बाद 8 × 1000 पैसे इंटू प्लस 3 × 100 पैसे. तो 8 जो हमारा 1000 पैसे होते हैं उसमें हमारे जो रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 10 रुपीज. तो यहाँ पर देखेंगे 3 × 10 रुपीज प्लस 3 × 1 रुपी. जो हाँ 100 पैसे है 100 पैसे में हम ले सकते हैं 1 रुपी, तो यह हमारा जाएगा 10 × 8 × 10 = 80 रुपीज एंड 3 × 1 = 3, तो 80 + 3 हो गया 83 रुपए. इसकी शॉर्ट मेथड जो है वो ये है कि 8300 पैसे है तो हम इसको ये लिख सकते हैं 83 × 100 पैसे. 100 पैसे को हम लिख सकते हैं 1 रुपी, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 83 में 1 का तो कितना आएगा 83, तो ये हमारा हो जाएगा 83 रुपए में 8300 पैसे होते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट था, ये आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू.